हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं सीए शमसिल आरफीन एक बार फिर आप लोगों का स्वागत कर रहा हूं इस इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर कोर्स में। और आज का लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये है क्रिप्टो करेंसी के बारे में। आप लोगों ने थंबनेल में भी पढ़ लिया होगा। फ्रेंड्स, जरा ध्यान से देखिए, ये जो स्क्रीन पर क्रिप्टो करेंसी आ रही है, इसके सामने देखिए कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है। ये अमाउंट में नहीं है, 1,00,000% से ज्यादा का प्रॉफिट हो रहा है, वो भी सिर्फ 24 आवर्स में। अब आप मुझे बताइए, कोई भी इन्वेस्टिंग ऑप्शन जो एक दिन में 1,00,000% का प्रॉफिट देगा, तो वो इन्वेस्टिंग ऑप्शन क्यों नहीं पॉपुलर होगा। यही रीजन है जो क्रिप्टो करेंसी आज के टाइम में सबसे ज्यादा डिस्कस किए जाने वाला इन्वेस्टिंग ऑप्शन है। बहुत से लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, और जो इन्वेस्ट नहीं भी कर रहे हैं उनके कॉल्स आते हैं या वो पूछते रहते हैं कि कैसे इन्वेस्ट करें, सेफ है, मतलब कोई हमारे पैसे तो नहीं डूब जाएंगे। तो मतलब सब लोग या तो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं या करना चाहते हैं, और इसकी पॉपुलैरिटी इतनी हो गई है कि इसी वजह से हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इसके बारे में अभी हालिया में बयान दिया है कि बहुत जल्द इसको लेकर रेगुलेशंस या फिर कोई एक्ट बनाया जाएगा। वैसे जो बिल है क्रिप्टो करेंसी का, वो पिछले एक साल से आने वाला है, तो अभी फिर ड्राफ्टिंग वगैरह चल रही है। बहुत जल्द जो भी पार्लियामेंट के हाउसेस हैं वहां पर क्रिप्टो करेंसी का बिल कभी भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपना जो इनकम टैक्स का कोर्स चल रहा है, जो कैपिटल गेन का चैप्टर चल रहा है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। और उससे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि आपके मन में भी ये डाउट होगा कि सर, क्या हमें क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इसका सिंपली वन वर्ड का आंसर है यस, व्हाई नॉट। अगर एक इन्वेस्टिंग ऑप्शन रिटर्न्स दे रहा है तो क्यों ना इन्वेस्ट करें। लेकिन वही चीज इस पे भी एप्लीकेबल है जो बाकी इन्वेस्टिंग ऑप्शंस पे एप्लीकेबल होती है, कि आप उतना ही पैसा इसमें इन्वेस्ट करें जितना लूज करने की कैपेसिटी, जितना आप लॉस बियर कर सकते हैं। बिकॉज अभी एक न्यूज आई थी, ये न्यूज है स्क्विड नाम की एक अभी एक वेब सीरीज आई थी, उस वेब सीरीज को बेस बनाकर एक क्रिप्टो करेंसी को लॉन्च किया गया, उसका नाम भी रखा गया स्क्विड, ठीक है। ये इन्वेस्टर्स का करोड़ों अरबों रुपए लेकर के गायब हो गई, ठीक है, लोगों को करोड़ों का लॉस हुआ है। तो ऐसे फ्रॉड कभी भी कहीं भी हो सकते हैं, बिकॉज क्रिप्टो करेंसी पर किसी भी कंट्री में कोई ऐसा सेंट्रल बैंक नहीं है, जैसे हमारी करेंसी होती है रुपीज नोट, उसके ऊपर हमारा आरबीआई होता है। तो जो क्रिप्टो करेंसी है इसको लेकर कि कोई भी ऐसा सेंट्रल बैंक नहीं बना हुआ है, कोई गवर्नमेंट इसको रेगुलेट नहीं करती है, तो इसपे रिस्क भी होता है। एंड आपने एक बहुत ही जनरल कहावत सुनी होगी, लो रिस्क लो रिटर्न, हाई रिस्क हाई रिटर्न। सेम चीज, जो हमारे पेरेंट्स लोग होते हैं वो थोड़ा रिस्क कम लेना पसंद करते हैं, तो उनके लिए इन्वेस्टमेंट का सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होता है, एफडी। कोई रिस्क नहीं होता है, लेकिन रिटर्न कितना मिलता है, 5%, 6%, 7%, ठीक है। थोड़ा सा आगे चलते हैं कि जो शेयर्स वगैरह होते हैं वहां पर रिस्क थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, लेकिन रिटर्न्स भी हाई होते हैं। उसी तरह क्रिप्टो करेंसी में रिस्क और ज्यादा है और रिटर्न्स भी उतना ही है। तो उतना ही पैसा इन्वेस्ट करें जितना आप लॉस बियर कर सके, ठीक है। तो ये तो था सिंपल वर्ड में आंसर, ठीक है। दूसरा, मैं देखता हूं यूट्यूब पर बहुत से चैनल हैं जो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करके आपको रातों रात करोड़पति बना रहे हैं। दर्जनों ऐसे चैनल को मैं देखता हूं जिसमें लोग बनाते बताते हैं कि इस बिटकॉइन में पैसा लगा दीजिए, करोड़पति बन जाओगे। आजकल बहुत हॉट टॉपिक है शिबा इनू में पैसे लगा दीजिए, डॉज कॉइन में पैसे लगा दीजिए, रातों रात करोड़पति, एक महीने में करोड़पति, ठीक है, कुछ लोग तो कुछ घंटों में करोड़पति बना रहे हैं। ऐसे यूट्यूब पर या कहीं पर भी ऐसे कोई वीडियोस मिले, फ्रेंड्स बिल्कुल भी बिलीव मत करिए। ये सारे के सारे वीडियोस फेक होते हैं, बिना किसी नॉलेज के बनाए जाते हैं, सिर्फ व्यूज के लिए। जो क्रिप्टो करेंसी के ओनर होते हैं उनको भी नहीं पता कि जो क्रिप्टो करेंसी की प्राइस है वो अगले दिन या एक महीने में कहां जाएंगे, ऊपर जाएंगे कि नीचे जाएंगे, उनको भी नहीं पता जो ओनर है क्रिप्टो करेंसी के। तो मुझे
या आपको या किसी को भी कैसे पता हो सकता है कि क्रिप्टो करेंसी कब ऊपर जाएगी कब नीचे जाएगी? ये सारा का सारा क्या है, कभी किसी किसी का ट्वीट आ गया, जैसे इलॉन मस्क का ट्वीट आ गया, एक हवा बन गई, प्राइस ऊपर चला गया, फिर हवा खत्म हो गई, प्राइस नीचे आ गया, तो ये सब ऐसे ही चल रहा है। इन्हीं सब के बीच में आपको रिटर्न निकालना है, प्रॉफिट निकालना है, और पैसे छोड़िए मत। क्रिप्टो करेंसी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग ऑप्शन नहीं है, नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूं, जैसे आप शेयर्स में पैसे लगा देते हो एक साल के लिए, दो साल के लिए, म्यूचुअल फंड में पैसे लगा देते हो एक दो साल के लिए, क्रिप्टो करेंसी वैसा नहीं है। आप इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग मत करिए। कौन सी क्रिप्टो कब भाग जाएगी पता भी नहीं चलेगा। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग करिए, प्राइस को मॉनिटर करते रहिए, प्राइस ऊपर जाए, आपको लग रहा है कि रिटर्न्स मिलने वाले हैं, अपना जो रिटर्न है वो बुक करिए, प्रॉफिट बुक करिए और एग्जिट हो जाइए। पैसा छोड़ने की जरूरत नहीं है। तो ये कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग ऑप्शन नहीं है। शॉर्ट टर्म भी इन्वेस्ट करिए, प्रॉफिट बनाइए और निकलिए। ये है मेरी सिंपल सी एडवाइस। और ये जो फेक वीडियोज है यूट्यूब पर, उनके ऊपर भरोसा मत करिए। पैसे आपके जो हार्ड अर्न मनी है, जो आप मेहनत से कमाते हो, वो आप लूज कर सकते हो। तो ये थी बात कि हम क्रिप्टो में इन्वेस्ट करें कि ना करें, और अगर कर रहे हैं इन्वेस्ट तो कितना करें। हर पर्सन की जो लॉस टेकिंग, मतलब जो रिस्क बियरिंग कैपेसिटी होती है, वो अलग अलग होती है। तो आप अपनी रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से ही इन्वेस्ट करें, ठीक है। और अगर मैं इंडिया की बात करूं कि इंडिया में सर हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो दो ऐप है जो बहुत पॉपुलर है और ट्रस्टवर्दी भी है, एक वदीरेक्स और दूसरी ज़ेप्पे। तो मैं कोई यहाँ पे एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ये जो दो ऐप है ये ठीक ठाक है, मतलब यूजर फ्रेंडली है, तो आप इसके थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन हमें क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करें या ना करें, इसके अलावा एक और चीज पता होनी चाहिए, बिकॉज वी आर टैक्स प्रोफेशनल, या तो हम टैक्स प्रोफेशनल हैं या हम बनने वाले हैं। तो अब हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो इन्वेस्ट करने के बाद प्रॉफिट आएगा, उसके ऊपर कौन सा टैक्स लगेगा। हमने पांच हेड देखे हैं इनकम के, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन जो हम कवर कर रहे हैं, बिजनेस प्रोफेशन और अदर सोर्स। इन पांचों में इसकी इनकम किस हेड में जाएगी, हमें यह देखना है। अच्छा, क्रिप्टो करेंसी पे डिटेल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और ऊपर आई बटन में भी आ रहा है, तो आप आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो अब हमें ये देखना है कि हमने इन्वेस्ट किया क्रिप्टो करेंसी में और हमें हो गया प्रॉफिट। अब हम आराम से बैठे हुए हैं कि चलो प्रॉफिट हो गया, आराम से अपने जो भी हमको खरीदना है, खर्चा करना है, वो हम कर रहे हैं। कॉल आ गया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कि भैया आपको वो है प्रॉफिट, आपने नहीं दिया है टैक्स। मैंने बोला कि अभी तक तो इंडिया में क्रिप्टो करेंसी को लेकर कोई रेगुलेशन, कोई एक्ट तो आया नहीं है, तो भाई हम कहां टैक्स दे दें, इसलिए हमने टैक्स पे नहीं किया। तो गवर्नमेंट हमसे क्या कहेगी कि क्रिप्टो करेंसी का बिजनेस करना या ना करना, ये करेंसी लीगल टेंडर है कि नहीं है, कैसे इन्वेस्ट करें, इसके लिए भले ही कोई रेगुलेशन ना आया हो, लेकिन आपने इंडिया में रहकर कोई भी इनकम अर्न करी, हम आपसे टैक्स लेने का पूरा पूरा राइट रखते हैं, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई, क्रिप्टो करेंसी से होने वाले प्रॉफिट पर टैक्स तो लगेगा, कितना लगेगा, किस हेड में लगेगा, ये देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, दो ही तरीके हो सकते हैं, या तो आपने इन्वेस्टिंग के पर्पस से लिया है क्रिप्टो, कोई भी क्रिप्टो करेंसी, या आपका बिजनेस है, ठीक है। वैसे इंडिया में क्रिप्टो करेंसी का कोई बिजनेस तो नहीं करेगा, बिकॉज अभी तक ये इंडिया में लीगल नहीं हुआ है। तो जब तक ये लीगल नहीं हो जाता है, तो कोई इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगा कि उसे यही नहीं पता है कि इस बिजनेस का फ्यूचर क्या है। फिर भी अगर कोई ये बिजनेस कर रहा है, तो उसकी इनकम कहां टैक्सेबल होगी, पीजीबीपी में, मतलब प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, उस हेड में। लेकिन अगर आपने क्रिप्टो ले रखा है अपने इन्वेस्टमेंट के पर्पस से, तो अब आप मुझे बताइए कहां पर उसको हम लेके जाएं टैक्सेबल करने के लिए। क्या ये इनकम फ्रॉम सैलरी है, नो। क्या ये हाउस प्रॉपर्टी से हो रही है इनकम, नो। क्या ये पीजीबीपी मतलब बिजनेस की इनकम है, नो। तो क्या अदर सोर्स में ले जाएं कि कैपिटल गेन में ले जाएं। यही है सबसे बड़ा कंफ्यूजन कि जो प्रॉफिट होगा क्रिप्टो करेंसी से, वो अदर सोर्स में टैक्सेबल होगा कि कैपिटल गेन में। देखिए, अभी तक इसको लेकर कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं आया है, बट फिर भी जो मोस्ट एप्रोप्रिएट हेड है वो कौन सा है, हमारा कैपिटल गेन का। क्रिप्टो करेंसी से होने वाला कोई भी प्रॉफिट अदर सोर्स में टैक्सेबल नहीं होगा,
क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, इसको इन्वेस्ट करते हैं हम, उसके बाद हमें रिटर्न मिलता है। तो जो सेल प्राइस होता है और जो परचेज प्राइस होता है, इसका डिफरेंस होता है कोई ना कोई प्रॉफिट या गेन। तो ये जो मोस्ट एप्रोप्रिएट हेड है वो कौन सा है? कैपिटल गेन का। तो ये कैपिटल गेन के हेड में ही टैक्सेबल होगा, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैसे देखेंगे, क्या ये लिस्टेड शेयर की कैटेगरी में आता है, क्या ये अनलिस्टेड शेयर्स में आता है, या फिर ये आता है 36 मंथ यानी कि अदर वाले में। तो देखिए, अगर ये लिस्टेड है तो 12 महीने या उससे ऊपर है तो फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अगर अनलिस्टेड शेयर्स में आएगा तो 24 महीने से ज्यादा होने पर क्या हो जाता था? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। यहां पर कंफ्यूजन है, इसको लिस्टेड शेयर की कैटेगरी में रखें कि अनलिस्टेड शेयर की कैटेगरी में रखें, यहां पर कंफ्यूजन है। तो अगर अब यहां पर देखिए, कोई लॉ में कुछ भी स्पेसिफिक नहीं लिखा हुआ है, तो यहां पर जो आपका फायदा हो रहा है उसमें इसको कर लीजिए। वैसे मैंने आपको बताया कि क्रिप्टो करेंसी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं है, आप कभी भी होल्ड करेंगे तो 15 दिन, एक महीना, दो महीना, तो इन केसेस में क्या होगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। लेकिन अगर आपने 12 महीने से ऊपर होल्ड करके रखा है, ठीक है, अब आप इसको कैसे मानेंगे लिस्टेड? बिकॉज लिस्टेड का मतलब होता है रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, जो NSE BSE होती है, अगर उसमें लिस्टेड है तो माना जाएगा लिस्टेड। तो क्रिप्टो करेंसी तो कहीं लिस्टेड नहीं होती है, बस कोई ऐप होती है, कोई एक्सचेंज होता है, उसके थ्रू हम क्या करते हैं, पूरा ट्रांजैक्शन होता है। तो मेरे हिसाब से हो सकता है कोई और चार्टर्ड अकाउंटेंट या किसी और प्रोफेशनल के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कोई दूसरा ओपिनियन रख सकता है, बट बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट मेरी ओपिनियन ये है और जो मुझे मोस्ट एप्रोप्रिएट लग रहा है और जो सही भी है कि ये अनलिस्टेड शेयर्स की कैटेगरी में रखा जाएगा। एंड वहां पर पीरियड ऑफ होल्डिंग कितना देखा जाता है? 24 मंथ। तो अगर आपने क्रिप्टो करेंसी को 24 महीने से कम होल्ड करके रखा है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और अगर 24 महीने से ज्यादा होल्ड करके रखा है तो फिर क्या हो जाएगा? हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। उस हिसाब से डिसाइड हो जाएगा कि रेट ऑफ टैक्स क्या लगने वाला है। तो इस तरीके से हम इसको मतलब क्रिप्टो करेंसी पर हम ऐसे टैक्स पे करेंगे। तो ये बिल्कुल मत सोचिए कि अभी इसको लेकर कोई रूल नहीं है इंडिया में तो हमें टैक्स पे नहीं करना है, हमें टैक्स पे करना है। आपका पूरा पैसा बैंक के थ्रू आप मतलब इन्वेस्ट करते हो, पैसा भी बैंक में ही आता है, सारे ट्रांजैक्शन पर गवर्नमेंट की पूरी नजर है, तो आप बिल्कुल बच नहीं सकते हो। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है क्रिप्टो करेंसी में, या आपके पास कोई क्लाइंट आता है वो इन्वेस्ट कर रहा है, उसका हो रखा है प्रॉफिट, वो आपसे पूछ रहा है कि इसमें टैक्स पे करें कि ना करें, तो आप पहले उसको क्या जवाब दोगे कि यस यू हैव टू पे टैक्स, और किस हेड में? कैपिटल गेन में। और क्या शॉर्ट टर्म की लॉन्ग टर्म? वो पीरियड ऑफ होल्डिंग 24 मंथ। एज ऑफ नाउ क्रिप्टो करेंसी पर ऐसे ही टैक्स का कैलकुलेशन होगा। इन फ्यूचर जब क्रिप्टो करेंसी को लेकर रूल्स बन जाएंगे, बिल आ जाएगा, एक्ट बन जाएगा, तो फिर ये पूरी तरीके से कंफर्म हो जाएगा कि क्रिप्टो करेंसी पर टैक्स कैसे लगता है। और ये बिल्कुल आई एम श्योर कि इनकम टैक्स एक्ट में अमेंडमेंट होंगे और उस अमेंडमेंट में क्रिप्टो करेंसी के लिए टैक्सेशन का कोई अलग से कोई प्रोविजन या कोई प्रावधान किया जाएगा। तब तक के लिए हम क्रिप्टो करेंसी को ऐसे ही टैक्सेबल करेंगे। और फ्रेंड्स, क्रिप्टो करेंसी पर बाकी इंफॉर्मेशन के लिए मेरा वीडियो देख सकते हैं, आई बटन में उसका लिंक है। और अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो, ठीक है, तो लाइक करिए। मैं GST प्रैक्टिशनर कोर्स को कंप्लीट कर चुका हूं, वो आप देख सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। और इनकम टैक्स का जो कोर्स है, प्रैक्टिशनर कोर्स, वो हम कवर कर रहे हैं। कैपिटल गेन का चैप्टर चल रहा है, इसके बाद और चैप्टर आएंगे, बिजनेस हेड, अदर सोर्स, फिर TDS, फिर रिटर्न फाइलिंग, फिर जो अपील रिवीजन वगैरह होते हैं, ये सारी चीजें हम कवर करने वाले हैं, ताकि हम एक मतलब एक टैक्स प्रैक्टिशनर बन सके विद फुल ऑफ नॉलेज। तो अगर आपको ऐसे ही किसी वीडियो की मतलब जरूरत थी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को लाइक कर सकते हो, ठीक है। व्यूज पिछले कुछ वीडियो से कम आ रहे हैं, तो फ्रेंड्स प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियोस को शेयर करिए ताकि व्यूज बढ़े, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।